और इस तरह से हम एक चाल चलेंगे। कसाब तुम्हें याद है ना? जी जनाब, कश्मीर हमारा है, कश्मीर को हम आजाद करा कर रहेंगे और एक दिन हिंदुस्तान पर झंडा फहरा कर रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, तुम कमाल हो कसाब। ध्यान से देखो और इस नेक काम को अपने जहन में उतार लो। अगर नाकाम रहे तो जान देनी है और ज्यादा से ज्यादा जान लेनी है। अगर कामयाब रहे तो बड़ी कामयाबी होगी और पूरे हिंदुस्तान पे झंडा फहराएंगे इंशाल्लाह। हमें चाहिए आजादी। और इसके बाद पुलवामा रोड 36B रिपोर्ट, पुलवामा रोड 36B रिपोर्ट, जाकर सूचित करें, रिपीट, जाकर सूचित करें। ओके सर, स्टैंड अप। यस सर। ओ हरी अप। छुट्टी मिल तो ही मकान बनाना अपना नया। साहब जी की दिक्कत है, ये तो हर महीने बैंक में आ जाते हैं। यार आपके छुट्टी मिलते ही मुझे अपनी माँ की आंखों का इलाज कराना है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यार ये जगह पोस्टिंग क्यों करवाई? जिस दिन मैंने अपना पहला कदम देश की सुरक्षा के लिए रखा, बस उसी दिन सोच लिया साला गोली सीने पर खानी है और देश के लिए कुर्बान होना है। भाई ये बहुत कुत्ते लोग हैं, ये साले पीठ पीछे वार करते हैं। बात नहीं, कावड़ा नहीं हमारे सामने आई। एक बार साले मुझे मिल जाएं और बच्चों को ना चबा दूं तो मेरा नाम रफी भाई।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं क्या हुए भारत के 44 जवान शहीद हुए क्या उनके छोटे छोटे बीवी बच्चे नहीं थे। जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।